हे एवरीवान सो आज को इस भिडियो में हमी एलआर सर्किट में डिके अफ करेन्ट स्टडी कर आटे जो लस्ट भिडियो में मैं एलआर सर्किटकें राइज अफ करेन्ट डिस्कस हमें के करूँ भांदी एलआर यानी कि इंडक्टर रेसिस्टर लीरज में जोड़े थी ईएमएफ हमीसम थी जिससे केरेंट ल्रो कराउं तो हमें तो एक्सप्रेसन हमें एक्सपोनेंशियली ग्रो हेच भाई हमें या एक्सप्रेसन हमने निकलें आज हम के भांदी तो ईएमएफ लटाई दी ईएमएफ एफ लटाए पी अब के भादा करेन्ट फल होने थाल्स जस ग्रो हूँ थोड़ा एक्सपोनेसियली फल होने थाल्ष एक्सपोनेंशियली होता तो आज हम मैथमेटिकली बुझने कोशिश कर फिगर हम एक्जैक्टली हो सब ए रेसिस्टर छेसिस्टेन्स आर छीस के भाख इंडक्टर छोटे सेल्फ इंडक्टेन्स कति छ खी एल छा हमें यहाँ बनाये सर्किट में और यपट हमीसा ईएमएफ छाख भोल्टेज दिने काम करेन्ट यहाँ बड़ आ सो ये थ्री भो जब कि थ्री हमें जोइन ग के होता भादा ईएमएफ अब ईएमएफ को कारण पोटेन्सि डिफ्रेस एक्रोस यो ई बराबर पोटेन्सि डिफरेन्स एक्स आर अभी पोटेन्सि डिफ्रेस एक्रोस, एक्रोस एल तो सम इक्वल हो रे हो भांदी करेन्ट या राइज हो तो हमें निल्यूं अब म के भादा खरीद यो टू र थ्रीलाई डिस्कनेक्ट गर्दैछु निकालिदिँदैछु ठिक छ र वान र टूलाई कनेक्ट गर्दैछु ओके अथवा भनौँ न टु र थ्रीलाई चाहिँ कनेक्टेडै छ इको भ्यालु जिरो छ ब्याट्री सकियो अब डिके हुन थाल्छ तर हामीले स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो बुकमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि वान र टूलाई कनेक्ट गरिदिएको गर छ भनेको छ सो त्यही अनुसार हामी जाऊँ सो so, वेन वान र टूलाई हामी कनेक्ट गर गर्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि लास्ट भिडियो जस्तै ई बराबर त पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस आर प्लस पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस एल हो री बिच फ्लॉ हो पोटेन्शियल डिफ्रेन्स यदि आई करेन्ट फ्लो भैर एट एनी इस्टेंट टी वाने आईआर प्लस आई येपटि के एल डीआई बाई डीटी हो हमें ऐ वोल्टेज एक्रोस इंडक्टर भारत तर यहाँ के भू मैं डीके को कोई ई बराबर जीरो भू हमें बैट्री रिमुव कर देख यही एक्सप्रेसन हम यूज करूँ लेट बी करेन्ट फ्लोइङ इन सर्किट एउटा कुनै समय टी टीमा एट एनी इन्सटेन्ट टी एउटा कुनै समय टी टीमा चाहिँ आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ ठीक छ यहाँ डिके हुँदैछ त्यो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा कुनै समयमा चाहिँ आई करेन्ट या सर्किटमा छ भने हामी कति लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस आर यानी कि आइआर होम्स ल हो यो प्लस एलडिआई बाई डिटी यो भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस एल भयो यो बराबर चाहिँ के हुन्छ चा। भन्दाखेरि जिरो हुन्छ ठिक छ मोरओभर यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि आइआर इक्वल टु माइनस एल डिआई बाई डिटी हुन्छ आरडिटी बाई एल बराबर चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि माइनस डिआई बाई आई हुने भयो यसलाई फर्दर हामी यसलाई माइनस यतापट्टि इन्ट्रोड्युस यतापट्टि ल्याउने हो भने माइनस आर बाई एल डीटी इक्वल टू डीआई बाई आई हो डेरिवेटिव को फॉर्म में भाई इस हम इटिग्रेट कर सकते अन इंटिग्रेशन माइनस एल आर बाई एल हम कंस्टेंट भ्रेशन अफ डीटी इक्वल टू इंटिग्रेशन अफ डीआई बाई आई इंटिग्रेट करइनस आर बाई एल रीटी को इंटिग्रेशन टी भाई डीआई बाई आई को log I, को नेचुरल लग आई हम लेना सौ प्लस सी यानी कि सी भादा कंस्टेंट अफ इंटिग्रेसन अब के करूं भादा हम इनिशियल कंडीशन यहाँ लगा भादा जस्तु तो मैं टाइम जीरो छे सब भाग सुरू में टाइम जीरो होता खेल अब यहाँ के होता यहाँ तो डिके हो करेन्ट सो मैक्सिमम देखि डिके कति मैक्सिम थोड़े लास्ट भिडियो में मैंने मैक्सिमम करेन्ट कती है सो डी के कह देखि घर भादा मैक्सिमम करेंट देख्ठ ठीक है मैक्सिमम करेंट थी तैं घट so, सो यानि कि मैक्सिमम करेंट यदि आई नट मूँ बने कति खेरा होता टाइम जीरो होता खी आई बराबर कति है भादा आई नट ये मैक्सिमम करेंट भो मैक्सिम स्टी केंट यानि कि जीरो हालने बितिक जीरो भोजना लग ई आई नट प्लस सी हमी कि सी बराबर कति भक् भाई माइनस लग ई आई नट हम लेखन सौ ओके म फर्दर यहाँ सो यह भैल्यू यहाँ हाल दें माइनस आर बाई टी इक्वल टू लग ई आई माइनस लग ई आई नई नाम लेता आई उत आई न लग लग भाई हम इस भादा हमला फर्मुला ठाक लग ए माइनस लग बी ए बाई बी होग ए बाई बी सो इसी हम इस लगी यता आउँदाखेरि एक्सपोनेन्सियल टर्म आउँछ आइनट मोरओभर आई बराबर कति भयो भन्दाखेरि आइनट इको पावर माइनस आर बाई एल टी भयो सो जुन रिक्वार्ड एक्सप्रेसन छ त्यो हामीले निकालिसक्यौँ यो भयो करेन्ट एट एनी इन्सटेन्ट टी ठिक छ डिकेको प्रोसेसमा तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टाइम रेट टाइम अनुसार चाहिँ कसरी भेरी हुँदैछ त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो यसको डेरिभेटिभ गर्छौँ हामी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम मैले यसलाई यहीँ गरिदिएँ सो डीआई बाई डीटी यदि हम निल्दी माइनस आर बाई एल बाहर निस्क्यो आई नट को आई नट ई को पावर माइनस आर बाई एल टी हो सो आई नट ई को पावर माइनस आर आर बाई एल टीक आई हो सो इस माइनस आर बाई एल आई हम लेना सक्रम ठिक छ यानि कि जुन डिके पनि हुन्छ त्यो के कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सियल्ली नै हुँदो रहेछ त्यो कुरा हामीलाई यो जुन छ यो एक्सप्रेसनले हामीलाई दिन्छ यो दुईटा फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामी यसलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ डिके अफ करेन्ट इन एलआर सर्किट यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ